আজ সকালে রাজৌরি এনকাউন্টারে শহীদ পাঁচ সেনা সদস্যের মৃতদেহ পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য জম্মুতে নিয়ে আসা হয়েছে। শহীদ হাবিলদার আব্দুল মজিদ পুঞ্চের বাসিন্দা হওয়াতে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান পুঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গত ১৯ নভেম্বর রাজৌরি জেলার গোলাপগড় জঙ্গলে কালাকোট এলাকায় যৌথ অভিযান শুরু করা হয়। ২২ নভেম্বর জঙ্গিদের হদিশ মিলতেই শুরু হয় জোরদার গুলির লড়াই। গতকাল সেই লড়াইয়ে মৃত্যু হয় ভারতীয় সেনার দুই ক্যাপ্টেন সহ চারজনের, আহত হয়েছেন এক মেজর এবং এক জওয়ানও। তাদের উধমপুরে ভারতীয় সেনা কমান্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ সকালে রাজৌরি এনকাউন্টারে শহীদ পাঁচ সেনা সদস্যের মৃতদেহ পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য জম্মুতে নিয়ে আসা হয়। শহীদ হাবিলদার আব্দুল মজিদ পুঞ্চের বাসিন্দা হওয়াতে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান পুঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और नाइन पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है लेकिन हमने दो खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या रजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ओके, आप बताइए, पूछिए। हाँ पूछिए। पुंछ रजौरी में जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड का कार्य और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक सेटबैक है पाकिस्तान को? देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आपको पता है पुंछ रजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहां पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस भी अब लोकसभा इलेक्शन में, उससे पहले पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बराबर करने की कोशिश करेगा? जो आपने बोला है उसका मैं जवाब सिर्फ हाँ से देना चाहूंगा। होस्टेज बना था जो मारा का मिलिटेंट है वहाँ पे, क्या सिविलियंस को होस्टेज बनाने के लिए वो भागने की कोशिश कर रहा था ऑपरेशन? नहीं, ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं है कि सिविलियन को होस्टेज बना रहे थे, बट उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 सिविलियंस को पिछले 1 साल में खत्म किया है। अब जबकि कार्य का खात्मा हो गया, बड़ा सेटबैक आप मान रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज अब अपने ऑपरेशन वहां चलाएगी ताकि मिलिटेंसी फ्री हम रजौरी पुंछ को कह सकें? देखिए, जब से ये खात्मा हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेज का मनोबल और ऊंचा हो गया है और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसका भी मनोबल ऊंचा हो गया है। अभी जो वो डर के रहते थे, जैसे डांगरी में हुआ था या रजौरी टीसीपी में हुआ था, तो जैसे ही वो डर खत्म होगा लोग और सामने आएंगे और इस वक्त भी जो हमारे पास खबर आई है वो लोकल लोगों से ही आई है।
तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी कायनात साथ में है वो भी एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। लोग जांगरी अटैक में शामिल थे जो हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है या जो हमें वहां पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे। आवाम कितना अगेंस्ट है वहाँ पे, आवाम से पहले साथ है, वो चाहती है आतंकवाद खत्म हो। स्पेशल लोकल समूह चला रहे हैं और जिस लोकल ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो? देखिए कुछ के जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहां पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहां पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहां पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा खत्म उनको खत्म।